पैसा देगा मेरे को दादाजी पैसा देगा। पैसा जा रही हूँ लड़का लेकर घूमने के लिए, जा रही हूँ लड़की के साथ लड़का लेकर घूमने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी और पुच खेत्री विंग। तो ये है 10th डे ऑफ 30 डेज चैलेंज। तो मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं 12:30। अभी भी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से बहुत बिजी थी, मैं बहुत काम कर रही थी क्योंकि जल्दी सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी क्योंकि मेरे भाई सुबह के 5:30 को ही बीरपाड़ा गए हैं, फुटबॉल उसका कुछ टेस्ट है तो भाई उधर चला गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई किया थोड़ा, फिर उठान वगैरह झाड़ू दिया मैंने, फिर कपड़ा धोया तो ब्लॉग स्टार्ट करते करते देरी हो गया खाना खाते खाते। और काकी लोग के घर पर उधर गई थी, फिर मुझे काकी मालती ने कॉल करके बोला कि पुष्की बीरपाड़ा चलो, ऐसे ऐसे कुछ खरीदना है, सामान वगैरह खरीदना है क्योंकि काकी को जाना है 28 को गुवाहाटी बुनू को लेकर, क्योंकि बुनू डांस क्लास से शायद गुवाहाटी पर या। तो अभी मैं देखो ये वाला ड्रेस पहनी हुई हूँ, पता नहीं कैसा लग रहा है। और मेरा बालों का हालत देखो, ये क्या हो गया है, मतलब एकदम कल मैंने जो बुनू ने मुझे जो हेयर डिजाइन करके दिया उसके वजह से हेयर ऐसे हो गया, देखने में मस्त लग रहा था लेकिन मुझ पर सूट नहीं करता है गाइस। सो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बीरपाड़ा जाएंगे या किधर जाएंगे पता नहीं है, लेकिन जाएंगे तो कहीं पर जाने के लिए तो निकले है। और मैंने इधर छतरी ले लिया क्योंकि बारिश होने वाला है, हो भी रहा है, छोटा छोटा बूंद गिर रहा है। सो चले चलते हैं। सो गाइस, मैंने अपने दादाजी को बोला है कि दादू को मुझे पैसा दो, देखते हैं अभी मुझे देते हैं कि नहीं पैसा। या 10 रुपया देने से भी चल जाएगा मुझे गाइस, मुझे ज्यादा पैसा का डिमांड नहीं है कितना धोखेबाज है यार ये सूरज मामा, जस्ट बारिश भी गिर रही है और देखो धूप भी निकल गया फिर से पता नहीं कुछ दिनों से ऐसा क्यों चल रहा है, बारिश गिरता है 5 मिनट में धूप निकलता है फिर बारिश गिरता है। पैसा देगा मेरे को दादाजी पैसा देगा। पैसा दिया 100 रुपया दिया जा रही हूँ अब छगरा लाना गिरीने संग जा रही हूँ लड़का लेकर घूमने के लिए, जा रही हूँ लड़की के साथ। तुमने तो 100 रुपया दे दिया ना मुझे, जा रही हूँ लड़का लेकर घूमने के लिए फायदा हुआ गाइस, एक बार बोलने से दे दिया मुझे। लाडू खाएंगे अभी लाडू मत के तो गाइस हम लोग बीरपाड़ा पहुंच गए हैं। अभी काकी अपने दोस्तों को फोन कर रही थी कि इधर हो तुम लोग, तो पता नहीं शायद कॉस्मो पर गए हैं वो लोग, तो हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं। Let me go. Hey guys, so अभी हम लोग मादारी पहुंच गए हैं और काकी अभी जाएगा पार्लर पर क्योंकि काकी को करना है ब्रूम फ्लैग। काकी क्या करोगे पार्लर पर बताओ, हेयर कट करोगे क्या? हाँ हेयर कट करोगे तो ब्लू फ्लैग फ्रॉम फिलअप फ्रॉम फिलअप करेगा काकी फ्रॉम। सो गाइस हम लोग पहुंच गए अभी पार्लर पर। टेरा रे 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 है गाइस, तो मैं तभी घर पहुंच गई थी, फिर नहाकर फ्रेश होकर उसके बाद मैंने अपना डिनर भी कर लिया है। अभी सोच रही हूँ मैं पढ़ाई करूंगी क्योंकि कल सुबह होने के बाद ही थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे 3-4 घंटा, उसके बाद मुझे आलमपुर के लिए निकलना पड़ेगा कॉलेज के लिए क्योंकि एग्जाम है कल, जैसे कि आपको पता ही मेरा मैथ एग्जाम है। पता नहीं क्या हो गया गाइस ओह माय गॉड क्या करूंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने जितना किया है अगर उसमें से आए तो कमाल ही हो जाएगा, लेकिन खैर देखते हैं अभी कल क्या होता है, कैसा होता है मेरा एग्जाम, कैसा जाता है, कैसा क्वेश्चन पेपर बनाया है। जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसी को पता है अब कैसे क्वेश्चन पेपर बनाया है। काश जो कोई क्वेश्चन पेपर बनाता है
अगर उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता मुझे तो मैं बोलता सर जी प्लीज बता दो, क्वेश्चन बनाया है अपने, प्लीज बता दो सर जी बोलकर। खैर अभी पढ़ने बैठूंगी, मैं बहुत थक गई हूँ यार, नींद भी आ रही है लेकिन मुझे पढ़ना है। सो चले पढ़ते है। हे गाइस सेम ब्लॉग अनदर डे। तो मैंने कल घर पर आकर ज्यादा ब्लॉग बनाया ही नहीं क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते कब सो गई मुझे भी खुद पता नहीं चला। और हाँ मुझे पता है आज मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना भी नहीं हुआ है और अभी भी मैं देखो पढ़ाई कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा मैंने तो चैलेंज लिया है, वीडियो भी करना है। हाँ मुझे पता है एग्जाम भी है, एग्जाम इम्पोर्टेंट है। खैर ये वाला वीडियो कल पोस्ट होगा क्योंकि मेरा आज एग्जाम होकर डायरेक्टली 2 तारीख को है। 2 तारीख को शायद फिजिक्स है या केमिस्ट्री था, फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में से एक होगा, फिजिक्स ही होगा ज्यादातर। सो हाँ अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, मेरा एग्जाम स्टार्ट है 2 बजे से, मुझे घर से 10:30 या 11 बजे निकलना पड़ेगा क्योंकि अलीपुरद्वार भी तो जाना है यार, इतना दूर है कॉलेज। ओ माय गॉड कैसा होगा पता नहीं। मेरे लिए प्रे करो कि क्वेश्चन पेपर आसान आए, आप लोग प्रे करो गाइस। खैर हाँ जाते वक्त मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस तो मैं घर पर पहुंच चुकी हूँ। पता नहीं यार इतना क्या बोलूं, कैसे इतना दूर घूमकर जाना पड़ा क्योंकि हमारे इधर का जो ब्रिज है मैंने आप लोगों को बताया था, छोड़ तोरसा वाला ब्रिज है फालाकाटा से अलीपुर रोड का, उधर का वो ब्रिज टूट गया है तो मुझे पुंडीबारी से घूमकर अलीपुर जाना पड़ा, सोनापुर होकर अलीपुर फालाकाटा से इतना दूर। और जस्ट मैं अभी पहुंची हूँ और अभी बज रहे 7:15 बज गए हैं शायद, मेरा घर आते आते एकदम करेक्ट 7 PM हो गया था। खैर एग्जाम के बारे में तो क्या बोलूं, शायद भगवान की कृपा से पास हो जाऊं मैं, इतना तो मैंने लिखा है पास होने की लायक, लेकिन अभी नंबर कितना मिलेगा मुझे नहीं पता गाइस। खैर अभी मेरा डायरेक्टली 2 तारीख को एग्जाम है और 2 तारीख को मेरा फिजिक्स एग्जाम है। फिजिक्स मैथ फिर भी चलता है गाइस, ये फिजिक्स का क्या करूं मैं, फिजिक्स का क्या करूं। खैर दिल से माफी मांगती हूँ कि आज ब्लॉग नहीं आ पाया, ये कल वाला और आज का वाला ब्लॉग मिक्स्ड होकर ही जाएगा आज। सॉरी गाइस आज मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, मेरा 30 डेज चैलेंज का पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसे मैं फिर से कंटिन्यूसली ब्लॉग करूंगी, ये वाला ब्लॉग कल सुबह जाएगा। क्या बोलूं मैं।